नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो गाइस, आज है आपके सामने द ओनली मारुति वैगनार इन द लेटेस्ट VXI CNG वेरिएंट, जो आप अपने ठीक सामने देख रहे हैं भाई। और उसी दूसरी तरफ खड़ा है अपना जो पुराना वाला मॉडल आता था LXI CNG। लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरी की पूरी बातें करेंगे कि भाई द ऑल न्यू लेटेस्ट वैगनार के इस CNG वेरिएंट में आपको भाई फीचर्स की पूरी भरमार यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई आप देख सकते हो, बॉडी कलर्ड ORVM के साथ पावर एडजस्टेबल ORVM आपको आता है, प्लस हैंडल्स पे भी आप डिज़ाइन देख सकते हो जो कि भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पुरानी वाली वैगनार में आपको कुछ ऐसा भाई सीन देखने को मिलता था। तो भाई VXI CNG वेरिएंट भी लेना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि भाई जो फीचर्स मिलते हैं नो डाउट भाई काफ़ी अच्छे हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS मोटो। दोस्तों, सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइसेस की बात करें तो भाई ये वाला जो मॉडल आपको पड़ता है करीब करीब 6,81,000 रुपये एक्स शोरूम पड़ता है, जबकि पुराना वाला पड़ता है 6,34,000 के आसपास। तो भाई फीचर वर्थ है द ऑल न्यू वैल्यू फॉर मनी VXI CNG वेरिएंट। तो पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस। तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले की से तो आपको यहाँ पे बढ़िया सी कंपनी फिटेड जो है सेंट्रल लॉकिंग के साथ एक कुछ ऐसी बढ़िया सी की देखने को मिलती है जो आपके नॉर्मली VXI वेरिएंट्स में आती है वैगनार के। और आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट कुछ ऐसा है भाई, फ्रंट में यहाँ पर आपको कोई भी खास चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और फॉग लाइट्स हैं वो इस गाड़ी की कंपनी फिटेड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये अलग से लगाई गई है यूनो मिंडा की। फॉग लाइट्स आपको इसके टॉप मॉडल से मिलना शुरू हो जाती है, प्लस जो फ्रंट का डिज़ाइन है कुछ ऐसा आप देख रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बिल्कुल साइड प्रोफाइल के, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज है। सबसे पहले टायर साइज़ की बात करें तो भाई R14 का साइज़ आपको यहाँ पर मिलता है, जबकि पुरानी वाली वैगनार में 13 इंच का पहिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। तो भाई बड़े पहिए के साथ व्हील कवर्स वगैरह आपको सब देखने को मिल जाते हैं, प्लस आप देख सकते हो बढ़िया सा इसका इंडिकेटर जो है वो फेंडर पे दिया गया है। ORVM का डिज़ाइन नो डाउट भाई काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी सारे लोग इस फीचर को ज़रूर से ज़रूर भाई पसंद करेंगे, क्योंकि भाई पावर एडजस्टेबल ORVM है अपना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल आपको दिए गए हैं। तो भाई साइड प्रोफाइल सेम एज इट इज़ आपकी काफ़ी अच्छी है। पूरी एक्सेसरीज़ के साथ आपको अभी कॉस्टिंग भी ज़रूर बताएंगे कि भाई गाड़ी कितने की पड़ रही है ऑन रोड। और बिना किसी जरिए के आपको सबसे पहले इसका सिलेंडर दिखाते हैं। तो भाई आप देख सकते हो ये है आपका बढ़िया सा VXI CNG वेरिएंट, जिसमें आपको पीछे R14 का ही हमारे हिसाब से इन्होंने स्पेयर व्हील दे रखा होगा, वो तो अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और बाकी ये देख सकते हैं आप ऑल न्यू VXI CNG का बढ़िया सा इंटीरियर। भाई 2022 में इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा मुझे वेट थी और फाइनली आज ये अपने पास आ ही गई है, और यहाँ पर आपको अच्छी खासी कवरिंग भी देखने को मिलेगी। रियर साइड की बात करें तो नो डाउट भाई आपको एज इट इज़ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये इसका स्पॉइलर है जो आप देख रहे हो एज ए एक्सेसरी पार्ट। और यहाँ पे ग्लास पे आपको कोई भी डिफॉगर वगैरह नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मली है आपका सब कुछ। और पीछे आपको वैगनार की अच्छी सी बैजिंग देखने को मिलती है। और ये इसका 2S3 मॉडल है जिसमें आपको ब्लैक वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है, जबकि इसमें कंपनी फिटेड क्रोम आना है। और ये है बढ़िया सुजुकी का लोगो। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 2 एयरबैग्स ABS/DBD के साथ। लेते हैं भाई इंटीरियर फीचर्स की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है भाई, आपको अब जो है कंपनी फिटेड 4 पावर विंडो के साथ वैगनार का CNG वेरिएंट मिलता है। और ये है इसका बढ़िया सा ऑडियो सिस्टम। उस तरफ से गाड़ी का एंट्रेंस लेते हैं ताकि हम आपको और डिटेल में सारी चीज़ें बता सकें। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है नो डाउट। और गाड़ी का बी पिलर आपको बता दूं तो यहाँ पे बॉडी कलर्ड है, ये डिफाइन करता है इसका 1 लीटर इंजन। तो भाई चलते हैं हम लोग ऑल न्यू वैगनार के बढ़िया से इंटीरियर में। तो भाई की को करते हैं इंसर्ट, काफ़ी अच्छी कीज़ हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं वैगनार की कंपनी फिटेड CNG वाली कीज़। और इंजन को कर लिया है स्टार्ट, AC को कर लिया है ऑन, और इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं। तो गाइस आप देख सकते हो डोर पे आपको अच्छा खासा 4 पावर विंडो का बढ़िया सा फिनिश देखने को मिलता है, और 1 टच डाउन फंक्शन के साथ आता है, 1 टच अप फंक्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। काफी अच्छा फीचर है जो कि काम का है वो इसका पावर एडजस्टेबल ORVM, जो कि भाई आपको वैगनार के CNG वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो
टू डिन का बढ़िया सा ऑडियो सिस्टम है, दो स्पीकर्स के साथ। चार स्पीकर्स आपको इसके टॉप मॉडल में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, सीएनजी की पूरी यहाँ पे भरी हुई है। मीटर की बात करें तो भाई सेम एज इट इज आपका एलएक्सआई वाला ही मीटर है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है। और यहाँ पे आपको फ्यूल चेंज करने के लिए दिया गया है। स्टेयरिंग का फिनिश भाई नो डाउट काफी अच्छा लगता है। एडजस्टेबल स्टेयरिंग आता है आपका वीएक्सआई वेरियंट में, तो ये भी एक काम का फीचर बन जाता है भाई। नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो आपको भाई एलएक्सआई में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वीएक्सआई मिल जाते हैं। एक तो पहली बात है भाई बड़े पहिए, जो कि भाई काफी काम की चीज है। दूसरे पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम, फिर आपके चार पावर विंडोज विद कंपनी फिटेड ऑडियो सिस्टम और एडजस्टेबल स्टेयरिंग। तो ये सब चीजें आपको केवल और केवल भाई 51 या 50 हजार रुपए में डिफरेंस में देखने को मिलेगी ऑन रोड। अब बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइसिंग की। तो भाई इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है अराउंड 8 लाख रुपीज हो चुकी है सारी एक्सेसरीज का फिटमेंट मिला के, और इसमें जो है फॉग लाइट्स वगैरह का भी फिटमेंट हुआ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया सा आपका वैनिटी मिरर है, जो कि भाई वैगनआर के प्रीवियस मॉडल्स में नहीं आता था। और यहाँ पे टिकट होल्डर है, एक रूफ लाइट आपको सिंगल दी जाती है, और एसी गाड़ी का भाई नो डाउट काफी अच्छा वर्क कर रहा है। और पावर एडजस्टेबल, सॉरी यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी तो नहीं आता वैगनआर में, आपको नॉर्मल सा ही देखने को मिलेगा। बट एक भाई काफी अच्छी बात है, दो एयरबैग्स के मॉडल मैंडेटरी हो गए हैं वैगनआर के सारे वेरिएंट्स में। और ग्लोव बॉक्स का साइज कुछ ऐसा है भाई, नीचे आप देख सकते हो बढ़िया सा आपको कप होल्डर दिया गया है, और पीछे आपको यहाँ पे हैंडब्रेक का सिस्टम दिया गया है। रियर सीट्स की बात करें तो भाई पार्सल ट्रे वगैरह भी आपको यहाँ पे फिटेड मिल जाती है। और वैगनआर में बैठने के बाद भाई वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट सच में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। माइलेज की बात कर लेते हैं भाई, 34 का माइलेज आपको इन द सीएनजी वेरिएंट देखने को मिलेगा, पेट्रोल पे आपको अराउंड 24 का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो भाई रियर साइड्स की भी चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया सा पावर विंडो आपको पीछे दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया आपको चार पावर विंडोज मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग वैगनआर की रियर सीट्स की तरफ। तो भाई जो रियर सीट्स का कंफर्ट है वो भी आपको भी जरूर दिखाते हैं भाई। अब अपहॉल्स्ट्री यहाँ पे गंदी हो गई है, कोई बात नहीं पहले से ही। और जो लेगरूम है भाई, पूरी सीट पीछे करने के बावजूद भी इतना अच्छा लेगरूम मिलता है आपकी वैगनआर में। स्पेस के मामले में काफी अच्छी फैमिली कार है जो आप अपनी ठीक सामने देख रहे हो, नो डाउट भाई। इंटीरियर के मामले में भी ठीक सी लगती है जिस प्राइस रेंज में आज की डेट में आ रही है। और हेडरूम भाई बहुत अच्छा है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वैगनआर में आपको काफी अच्छा हेडरूम मिलता है। बाकी बैठने का भी फील अच्छा है। एक यहाँ पे चीज मुझे थोड़ी सी कमी लगती है, वो है मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अगर लॉन्ग हाइट का बंदा होगा ना, उसको थोड़ी सी यहाँ पे हेडरेस्ट में प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो हम लोग एग्जिट करेंगे वो उस साइड से करते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा दें, आप देख सकते हो बढ़िया सा सिलेंडर भी आपको दे रखा है। तो ओवरऑल वैगनआर नो डाउट भाई काफी अच्छी है। 1 लीटर के K-सीरीज न्यू जेक्स इंजन के साथ आती है, जो कि आपका काफी अच्छा है। इंजन को कर लेते हैं ऑफ। तो भाई ये था अपना वीडियो रिगार्डिंग द ऑनली मारुति वैगनआर इन द वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट। होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल पीएस मोटो। बाकी हमने भाई पूरी बातें कर ली ऑनली वैगनआर की, एक कंपैरिजन वीडियो भी मिल जाएगा आपको कि भाई दोनों वेरिएंट्स में क्या यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।